हेलो दोस्तों, मैं आपका मिस्टर खोलू। तो चलिए इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं किसकी। ये एक डबल साइडेड टेप है, जहाँ जानते होंगे आप, एक मोटा सा होता है डबल साइडेड टेप, मतलब आगे भी टेप, पीछे भी टेप, ऊपर भी टेप, नीचे भी टेप, मतलब करो आगे और पीछे टेप, मतलब जैसे कि कई चीज़ होती हैं जो आपको चिपकाना होता है आगे से भी और पीछे से भी, दीवार में चिपकाना होता है और आगे से भी चिपकाना होता है, या कुछ भी चीज़ जहाँ पर आपको डबल साइड ग्लू की आवश्यकता पड़ती है, तो हाँ वहाँ पर आप टेप का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का टेप होता है, कुछ ज़्यादा कोई मजबूत काम करना है इसलिए, वरना आपको छोटा डिस्ट्रिक टेप है कुछ टाइप का होता है वो भी काम चल जाता है। लेकिन ये थोड़ा महंगी क्वालिटी का, और जहाँ मैं इसको थोड़ा महंगा ले भी लिया है, लेकिन जहाँ तक आपको डिपेंड करता है महंगा सस्ता है कहाँ से आप खरीदें। मैंने इसे क्रेडिट से परचेस किया, देख सकते हैं, जैसे कि और जैसे मैं परचेस करता हूँ क्रेडिट से, तो ये भी क्रेडिट से परचेस किया। इसकी प्राइसिंग में वो पड़ी है कितनी कार्ड से, 179 रुपीज़ शायद, आई थिंक 179 या 189 समथिंग कुछ प्राइस है इसका। तो देखते हैं, दरअसल मैंने इसके लिए उसके लिए मंगाया था क्या, फोटो है, फोटो कह सकते हैं दीवार में चिपकाने वाली, जो मैं अमेजोन से मंगाई थी 129 या 130 में, वो है अच्छी। लेकिन वो उसका अगर आप देखेंगे तो उसकी अनबॉक्सिंग ऊपर दिख रही होगी, शायद दिख जाएगी, मैंने कर दी हो तो ऊपर दिख जाएगी, तब भी दिख ही जाएगी कभी ना कभी। तो मैंने मंगाया था उसका, ऐसा उसका ग्लू इतना गंदा था ना, देखने में अच्छा, जब चिपकाया चलो 5 सेकंड बाद नीचे गिर जाता था वो, 5 सेकंड लगाया फिर वापस नीचे गिर गया, लगाया फिर वापस गिर गया, और तीन पीस में तीनों के तीनों नीचे गिर गया, किसी का ग्लू अच्छा नहीं था। तो मैं उसके लिए क्या करूँ, तो मैंने ये मंगा लिया। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा है, कितना नहीं है, या अभी बेकार है, या फिर, और ये भी है, मैंने ये भी मंगाया था कि अगर टपारिया का स्टेंसिल चाकू कहते हैं, पता नहीं कौन सा चाकू कहते हैं या फिर कौन सा कटर कह सकते हैं, टपारिया का है भाई, 17 रुपये का पड़ा था, 9 नंबर है, पता नहीं क्या है। तो मैंने मंगा लिया, मुझे सस्ता पड़ रहा लगा था इसलिए मैं मंगा लिया, अच्छा भी लग रहा है। तो मेरे को जरूरत पड़ती थी क्योंकि अनबॉक्सिंग करने के लिए काटने के चाकू में थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए ना, तो इसलिए मैं प्रोफेशनली के लिए मंगा लिया, वरना काटने को क्या चीज़ आपको इसलिए काट ही सकता था, लेकिन मैं सब प्रोफेशनल बने थोड़ा, तो मैं इसे मंगा लिया। अब देखते हैं इसे काट के, ये है, ये गिजगा का है, अगर आपको याद हो गिजगा, मुझे याद आया गिजगा से, हाँ मैंने वही जो क्या अनबॉक्सिंग की थी, क्या कहते हैं अपने, क्या था हार्ड डिस्क के केस की, सेम वही ब्रांड है गिजगा, तो सेम उसी ब्रांड का है, तो ब्रांड तो ठीक ठाक है। अब देखते हैं कैसी क्वालिटी कैसी है इसकी, ज़्यादा नहीं लंबा है, कितना है ये, करीबन 2 mm की थिकनेस है, और शायद 3 मीटर लंबा है ये, कुछ समथिंग 3 मीटर ही लंबा है, इसके ऊपर दे नहीं रहा तब भी 3 मीटर लंबा है। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं, देखते हैं कितना मोटा दिख रहा है, वैसे तो ट्रांसपेरेंट ही होता है ये डबल साइडेड टेप। तो इसको खोलते हैं, यहाँ से खोल दे थोड़ा, बहुत ज़्यादा ग्लू है यार, ऊपर से भी ग्लू, नीचे यहाँ से भी ग्लू, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, देखते यहाँ पे मैं लस्सा इसमें आ रहा है, लस्सा के ना ग्लू चिपक रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ऊपर नीचे ग्लू है। तो इसको मैं पूरा पन्नी फाड़ देता हूँ, देख सकते हैं इसके ऊपर रख रहा हूँ मैं, तो चिपक के ऊपर आ जा रहा है, ये नहीं चिपकेगा इसमें, काफ़ी ज़्यादा मोटाई है यार इसकी, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मोटा हो गई, ठीक होता है अगर मैं निकालूँ तो, ये ग्लू ही है ना भाई, देख सकते हैं कितना मोटा लग रहा है यार ये, और ऊपर की लेयर ऊपर हटानी पड़ेगी है, ये देख सकते हैं ऊपर ले, आपको दिख रही है लेयर, ये आपको लेयर हटानी पड़ेगी अगर आपको ऊपर भी ग्लू चाहिए, देखिए ऊपर हटाए तो यहाँ से भी मेरे को ग्लू फील हो रहा है, तो ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, और ये साइड में क्यों दे रखा है भाई, मैं साइड में सो नहीं आया सर, पूरी पट्टी ग्लू की होती है तो काटते हैं तो शायद इसका ग्लू रह जाता है वो साइड में, तो मैंने उसी के लिए रंगवा रखा है जैसे कि आप बताएं। तो इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, उसके पीछे लगाऊंगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आई वेट करिए थोड़ी देर में।